नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में एक लाइट वेट प्रेस है, तो इसको आज हमें रिपेयर करना है। ये कॉम्फर्ट्स कंपनी की है और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके 230 वोल्ट 750 वाट की ये प्रेस है। दोस्तों, मेड इन इंडिया है, ये लगभग लोकल ही प्रेस है। तो आइए दोस्तों, इसको चेक करके देखते हैं तो इसमें क्या कमी है। दोस्तों, मैंने इसे सीरीज में लगा दिया तो आप देख सकते हो ये लाइट जो हमारी ऑन हो चुकी है। तो ऑन होने का मतलब ये है, सीरीज में अगर हमने लगाई, लाइट ऑन हो रही है, तो हमारा ये जो बल्ब है ये भी जलना चाहिए था। लाइट जलने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो हमारा इसके अंदर का एलिमेंट है वो हमारा ख़राब है। तो लाइट के जो कनेक्शन होते हैं डायरेक्ट एलिमेंट से आते हैं, यानी हमारा करंट जो है वहाँ तक पहुँच रहा है। तो आइए दोस्तों, इसे खोल करके इसको देखते हैं इसका एलिमेंट किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये लाइट जल रही है, मैं मेरे निकालते ही बंद हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, लाइट बंद हो चुकी है। तो आइए मैं इसे रिपेयर करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, ये पीछे वाला नट जो देख रहे हैं आप, हमें इसे यहाँ से खोलना होगा। ये देखिए, ये पेचकस लगाया मैंने और यहाँ से ये पीछे का ढक्कन हमारा आराम से खुल जाएगा। तो ये मेरा दोस्तों ढक्कन देख सकते हो, आराम से खुल गया। अब इसकी जो इसके अंदर वायर वगैरह है वो भी हटा लेंगे हम। ये दो पेंच हैं यहाँ पे, इसे भी हटा लेंगे हम। इसके कनेक्शन वगैरह हमें हटा लेना। कनेक्शन दोस्तों हटाने से पहले आपको देख लेना होगा किस तरीके से कनेक्शन हमारे लगे हुए हैं। दोस्तों, वायर हमारी खुल चुकी है, अभी से हम अलग रख देंगे। तो हमें प्रेस खोलना है। प्रेस के लिए सबसे पहले दोस्तों, ये वाली जो नॉब देख रहे हैं दोस्तों, हमें ये हटानी पड़ेगी। ये हमें हटा दिए तो आप देख सकते हैं नीचे भी हमारे ये दो पेंच है, तो इसे भी हमें खोलने पड़ेंगे। पेंच दोस्तों एक जगह हमें संभाल कर रखने, जैसा कि देख रहे हैं मैं एक जगह संभाल कर रख रहा हूँ। पेंच अगर इसमें गुम हो गए तो हमें रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत होगी। पेंच इसके सारे अलग अलग साइज़ के होते हैं। खुलने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो नीला वाला हैंडल है ये बिल्कुल अलग है। हमें यहाँ पे लॉक लगा हुआ, इसे यहाँ से हटा देना पड़ेगा। तो ये आगे से देखिए आराम से खुल गया, इसे भी साइड रख देंगे। खुलने के बाद देख सकते हैं कि मेन पेच यहाँ लगा हुआ है, ये भी खुलेगा। ये पेच सारे हमारे खुल गए, इसे दोस्तों मैं हटाऊँगा तो ये आराम से हट गया, ये देख सकते हैं आप। इसे भी हम साइड में रखेंगे। तो दोस्तों, तीन पेच हमारे ये जो मेन है जो इस बॉडी को कस रखा है सारा सिस्टम। तो आइए मैं इसे भी खोल देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो एलिमेंट ख़राब है, ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा एलिमेंट जल के टूटा हुआ है और हमारा जो करंट यहाँ तक बिल्कुल पूरा पहुँच रहा था। इसलिए देख सकते हो आप, ये हमारा इंडिकेटर जल रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिकेटर की वायर जो है इससे डायरेक्ट लगी रहती है, ये देख सकते हो आप, एक यहाँ एलिमेंट पर लगी है और एक इस वाले पॉइंट पर लगी है। तो ये डायरेक्ट है, यानी हमारा करंट यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से पहुँच रहा था। तो हम इसको भी खोल लेंगे दोस्तों अब, और इसका एलिमेंट आपको लगा के दिखाएंगे। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों बहुत ध्यान से खोलना होगा। सबसे पहले हम इसकी ये एलिमेंट वाले पेंच खोल देंगे। थर्मोस्टेट भी हमें हटा लेना है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो थर्मोस्टेट भी आराम से खुल चुका है और इसका इंडिकेटर जो हम इसमें से निकाल लेंगे। और ये पत्ती जो है इसको भी हम काम में लेना है, सिर्फ हमें एलिमेंट जो चेंज करना है। तो देख सकते हो, इस एलिमेंट को निकालने के लिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ये अपने आप जो जल के निकला हुआ था। काफ़ी कभी होता है तो हमें पेचकस की मदद से इस तरीके से उठा करके निकालना होता है, ये मेरा आराम से निकला हुआ। तो आइए मैं दूसरा इसका एलिमेंट लेकर के आता हूँ और आपको लगा करके किस तरीके से लगता है उसको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो, मैंने नया एलिमेंट ले लिया है, इसे खोल करके मैं आपको साइज़ नाप के दिखाऊँगा। तो देख सकते हो दोस्तों, ये साइज़ जो हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। हल्का सा 19-20 का फ़र्क है जो आप देख रहे हैं, इतना दोस्तों चल जाएगा। ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो वो नहीं चलेगा, या छोटा होगा तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, हमें एलिमेंट जो हमेशा जो साइज़ का ही लेना है, अगर बड़ा होगा या छोटा होगा तो वो भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो आइए मैं इसे लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। लगाने का तरीका ये देख रहे, जो गोलाई टाइप का बना है वो नीचे रहेगा दोस्तों, और जो
पट वाला हिस्सा प्लेन है, ये देख सकते हो इधर गोलाई है और इधर ये प्लेन है, तो ये प्लेन वाला हिस्सा हमारा जो ऊपर की तरफ रहेगा, देखते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो ये देख सकते हो दोस्तों इस तरीके का लकड़ी का मैंने टुकड़ा ले लिया है, तो इसको जो हम इस तरीके से मारेंगे, अगर हम डायरेक्ट हथौड़ी मारते हैं तो इस पर निशान आ जाएंगे और ये फट जाएगा, और इससे जो है क्या ये फटेगा नहीं, तो मैं इससे ठोकूंगा। दोस्तों देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसको ठोक लिया है, इसी लकड़ी के डंडे से ठोका है। थोड़ा थोड़ा हमें इस तरीके से टेढ़ा भी ठोकना है, ज़्यादातर हमें सीधा ठोकना है, थोड़ा टेढ़ा कहीं कहीं हमें ठोक देना है ताकि थोड़ा सा फैल जाए और ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो ये आप देख सकते हो मेरा जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, जैसे उस तरीके से वो एलिमेंट निकला था। तो आइए मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। दोनों वायर हमें पहले इस तरीके से लगाने हैं, हमारा एलिमेंट बिल्कुल सही है। अब हमें इसकी बॉडी भी देख लेनी है, एक एलिमेंट के पॉइंट पे लगा के और एक हमें बॉडी में लगाना है। तो देख सकते हैं मेरा एलिमेंट शॉर्ट नहीं है, इससे भी हम देख लेंगे। तो हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है, तो आइए मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो इसके अंदर थर्मोस्टेट लगाना पड़ेगा, थर्मोस्टेट ये है देख सकते हैं आप। तो इसको यहाँ इस तरीके से रखेंगे हम। पेंच आप देख सकते हैं दो ये वाले हैं, जौन सा पेंच दोस्तों आपको जहाँ से खोलोगे आपको वहीं पर लगाना है। तो मैं इसके पूरे कंप्लीट कनेक्शन करके दोस्तों आपको दिखाता हूँ। तो ये अब इंडिकेटर वाली वायर जो है आप देख सकते हो दोनों इन पॉइंटों में लगेगी, एक ये जो एक्स्ट्रा वायर है यहाँ पे लगेगी। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा ये थर्मोस्टेट के थ्रू हमारा ये बाहर निकला है, ये कट मारने का काम करेगा, इसको बंद करने का। और ये वाला पॉइंट जो हमारा ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो हमारा डायरेक्ट रहेगा तो ये डायरेक्ट बाहर जाएगा, और ये वाला जो थर्मोस्टेट के थ्रू होकर के यहाँ लगेगा, अगर प्रेस ज़्यादा गर्म होती तो ये थर्मोस्टेट कट मार देगा और यहाँ करंट जाना बंद हो जाएगा। तो इस उस पोजीशन में ये गर्म होना बंद हो जाएगी और ये कट मार जाएगी। तो मैं इसका इंडिकेटर के वायर भी लगा लेता हूँ दोस्तों। हमने लगा लिया दोस्तों दूसरे इंडिकेटर को की वायर यहाँ लगेगी, जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया था इंडिकेटर जो डायरेक्ट दोनों एलिमेंटों के पॉइंट से लग कर आता है। एक वायर हम ये वाला जो लगा लेंगे जो डायरेक्ट हमारा बाहर जाएगा, तो मैं इसे भी लगा लूँगा दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने एलिमेंट के अंदर कस लिया है, ये दो हमारे पॉइंट जो है बने हुए हैं, ये इसमें करंट दिया जाएगा न्यूट्रल और फेज, और ये हमारी प्रेस लगभग पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें बॉडी कसनी है, तो उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी थर्मोस्टेट की जो सेटिंग कर लेनी पड़ेगी, ये कितना गर्म हो रहा है और कट मार रहा है कितनी देर पे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा ये ज़्यादा गर्म हो रहा है या कम गर्म हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने जो प्रेस की वायर में न्यूट्रल और फेज लगा दिया है, अब हम इसको सीरीज में लगाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों चेक करने का तरीका आप ध्यान से देखना, ये थर्मोस्टेट जो है हम घुमाएंगे तो कितनी कहाँ पर घुमाने पर चालू होता है, जैसा कि देख रहे हैं मेरा काफ़ी दूर जो जा कर के ये चालू हुआ है, और हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये बंद हो गया, यानी हमारा जो चालू होना चाहिए था ये इतना घुमाने पर चालू हो जाना चाहिए था। अगर ये चालू नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि हमारी प्रेस जो है कम गर्म होगी और जल्दी कट मार जाएगी। तो उस पोजीशन में क्या है, हमारा प्रेस जो गर्म नहीं होगा, हमारे कपड़े प्रेस नहीं होंगे, तो उसको हमें क्या करना है इसकी सेटिंग के लिए दोस्तों, या तो हम ये पत्ती देख रहे हैं इसे भी उठा के कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारा इसके अंदर पेंच होगा, ग्लू डाल करके इसको चिपका दिया गया है। तो मैं इस चीज़ से सेटिंग इसकी कर लूँगा। तो इससे सेटिंग करने से क्या होगा दोस्तों, वो भी एक ही बात रहेगी, इसको जो हमें नीचे और ऊपर करना होगा। तो ये देखिए जैसे मैं दबा रहा हूँ तो ये हमारा प्रेस चालू हो जा रहा है इस पत्ती को, तो इससे भी इस पत्ती से भी आप सेटिंग कर सकते हो, और यहाँ से ये जो पेंच होता है ये इसके अंदर यहाँ पे लगा रहता है, इससे भी कर सकते हो आप। लेकिन इसके अंदर ग्लू डाल रखा है और इस चिपका रखा है तो पेंच फ्रेश नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम इसका जो ये वाला हिस्सा नीचे दबाएँगे तो दोस्तों पास में जैसे मैंने बताया यहाँ पे कट करेगा, और जो ऊपर उठाएंगे तो ये हमारा और ज़्यादा आगे जाके कट करेगा। तो दोस्तों मैं इसको नीचे दबा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने जो इसको ऊपर नीचे करके इसकी सेटिंग कर दी है,
तो आइए देखते हैं, ये देखिए मेरा हल्का सा चलाने पर ही चल गया और ये कट मार गया, तो ये तुम्हारा अच्छी तरीके से गर्म होगा दोस्तों। अब तो चलिए दोस्तों इसको फिट कर लिया जाता है। फिट करने के लिए कभी कभी ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे गिर जाते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है, इसमें लगा देना। और इसकी वायर जो देख रहे हैं इंडिकेटर की, हमें सबसे साइड में निकालनी है, इसमें अर्थिंग नहीं है, वरना अर्थिंग हमें यहाँ से निकालनी होती है, न्यूट्रल फेस हमें यहाँ से निकालने होंगे। तो आइए मैं इसको निकाल करके आपको दिखाता हूँ। इस तरफ से दोस्तों हमें पेचकस की मदद से सेटिंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं मैंने ये अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। अब इसको हम बिठा देंगे। बिठाने के बाद दोस्तों हमें क्या रह जाएगा, सिर्फ इसके पेच लगाने हैं ऊपर से। अब ये हमारा बैठ चुका है, तो दोस्तों ये हमारा अच्छी तरीके से बैठ चुका है। अब इसके अंदर जो ये तीन बड़े वाले पेच थे ये हम इसके अंदर लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से कस देंगे। ये तीनों पेच हमें जो है बहुत मजबूती से कसने हैं, वरना प्रेस हमारा जो हिलता रहेगा। अब देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से कस दिया, तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो दोस्तों ये वाली बॉडी कसने के बाद जो हमारा, हम इसकी वायर लगा लेंगे। वायर देखिए इस तरीके से लगेगी, इसमें लिखा हुआ लाइन न्यूट्रल अर्थ, ये देख सकते हो आप। तो हमें उसी तरीके से कसनी पड़ेगी। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने तीनों वायर कस दिए हैं। अब हमें इस ये ऊपर वाला, आप ये देख रहे हो ये ऊपर वाला कवर जो है, इसको कसना होगा। इसको कसने के लिए दोस्तों ये मैंने इसमें आराम से मिला लेना है। ये देखिए मेरा बैठ चुका है। और इसको जो है, एक ये वाला पेच ऊपर वाला था तो उसे हम कसेंगे, ये वाला पेच मेरा था ये मैं कस दे रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरा अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। दो पेच हमारे यहाँ पर भी थे, इसे भी कस लेंगे हम। अब दोस्तों इसका जो ऊपर वाला कवर है, ये वाला शो पीस जो, इसको भी लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आगे लॉक है, इसको हमें आगे बिठाना है और पीछे की साइड जो है इसको प्रेस कर देना है। तो ये आराम से बस सेट हो गया है, हमें इसमें कोई पेच लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हो दोस्तों हमारी ये पेच भी अच्छी तरीके से कस गए हैं। पीछे से कवर लगा देना है। ये जो दोनों नक्के दिख रहे हैं आप, इसके अंदर कट बने हुए हैं, ये वाला देख सकते हो, ये वाला इसके अंदर फंसाना है हमें। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा ये भी अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब हम इसमें पीछे एक लंबे वाला पेंच होगा, उसे हम लगा देंगे इसके अंदर। ये हमारा लग गया दोस्तों, लगभग हमारी प्लस कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको कुछ इसमें समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ये हमें नॉब लगा लेनी है दोस्तों। तो हमारा प्रेस ये कंप्लीट हो चुका है। आइए मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों किसी भी सामान को बनाने से के पहले और बनाने के बाद जो है उसकी हम अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर लेंगे, कहीं उसमें करंट तो नहीं आ रहा है, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो चेक करने के लिए फिर से कर लेंगे हम उसको। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं घुमा दूंगा तो ये देख सकते हैं अभी चालू है, और इसकी बॉडी पे लगाएंगे हम। तो ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है मेरा, ज़रा सा भी अर्थ नहीं है इसके अंदर। तो आइए दोस्तों इसको डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट चलने पे ये हमारा इंडिकेटर शो करेगा, सीरीज में हमारा इंडिकेटर शो नहीं करता है। तो ये जैसे कि देख रहे हैं मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे घुमाऊँगा तो देख सकते हो मेरा इंडिकेटर जो जल चुका है, ये मैंने कम किया तो ये बंद हो गया। तो दोस्तों ये मेरा प्रेस बिल्कुल ओके हो चुका है। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती हो या आप इसको नहीं बना पाते हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।